सबसे बड़ा पाप क्या किया है? इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था मैंने। क्या? और उससे भी बड़ा पाप मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था। भाई इंजीनियरिंग से क्या प्रॉब्लम है आपको? आज मैं तुझे बताऊंगा अपनी दुख भरी दास्तां। तुझे पता है 12वीं तक मैं इतना तो जान गया था कि कंप्यूटर और आईटी में गया तो नौकरी नहीं मिलेगी, मैकेनिकल और सिविल में गया तो छोकरी नहीं मिलेगी, बेंचो जाए तो जाए कहाँ। फिर हमारे चाचा मामा या मौसी का आइंस्टाइन बेटा पता नहीं कहाँ से प्रकट हो जाता है, खुद के 4-5 सब्जेक्ट बैक होते हैं और हमें सलाह देगा कि भाई मैकेनिकल में जा, बहुत स्कोप है। स्कोप, ये स्कोप शब्द सुनकर बात ही खत्म हो जाती है। हमारे घर वालों को स्कोप सुनकर तो ऐसा लगता है जैसा अपना बेटा अंबानी बनेगा। छोकरी गई भाड़ में, तुझे तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही लेना है। भोसड़ी का खुद तो डूबता है, हमें भी साथ में ले जाता है। माँ कसम उस मुच्छड़ गांडू को मैं जिंदगी में कभी माफ नहीं करूंगा। तुझे पता है हम मैकेनिकल और सिविल वालों को लड़की के नाम पर एक बूढ़ी प्रोफेसर मिलती है सिर्फ। हमारे जिंदगी में सिर्फ लॉन्डे लिखे होते हैं, लॉन्डे। रात को सपने भी हमें लॉन्डे वाले पढ़ने लगे। अब जो लोग आईटी और कंप्यूटर में जाते हैं उनमें से 90% लोगों को घंटा पता नहीं होता कि बिल गेट्स और माइक्रोसॉफ्ट क्या है। कल मैंने एक कंप्यूटर के लॉन्डे से पूछा, भाई ये रेशमा कौन है? रेशमा? हाँ वो दूसरी वाली बेंच पर बैठती है ना, काले बाल, काली आंखें, काली। हाँ बस 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 बस। और दीपा? दीपा हाँ वो गाना की आइटम है ना, काली आंखें, काले बाल, काली। अच्छा अच्छा। बिल गेट्स? सर अभी बाहर गए, आएंगे थोड़ी देर में। तेरी बहन का माइक्रोसॉफ्ट मारा, काली आंखें, काले बाल, जा जाके अपना मुंह काला कर ले। दुनिया में सबसे बेहतरीन एग्जाम कोई देता है तो वो हमारे इंजीनियर। एग्जाम का टाइम टेबल 3 महीने पहले ही आ जाता है, फिर भी हमारा इंजीनियर रात के 12 बजे फोन करके पूछेगा, भाई पेपर कौन सा है कल? 12वीं तक हमारे पेरेंट्स पूछते थे कितने परसेंटेज आए, 80 या 90, और अब पूछते हैं कितने बैक लगे, 2 या 4। बेंचो तो मैंने कॉलेज की इतनी फी नहीं भरी होगी जितनी एग्जाम फॉर्म की भरी है। एडमिशन के टाइम हर कॉलेज हमें बताएगा कि हमारे पास बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज आती है, गूगल, फरारी, मर्सिडीज। फिर लास्ट ईयर को हमको पता चलता है कि उन्होंने हमारा गंदा वाला छुट्टियां काटा है। मर्सिडीज दिखाकर रिक्शा फिटिंग का जॉब मिलता है, वो भी पूरे 300 बच्चों में से सिर्फ 3 बच्चों को। बाकी बचे 297 बच्चों का फ्यूचर पोपट लाल के लन जैसा लटकता रहता है। इंजीनियरिंग के हर क्लास में तुझे एक चीज जरूर देखने को मिलेगी जिसमें क्लास के सारे बच्चे क्लास बंक करके छुट्टी लेकर घर जाते, सिवाय एक मच्छर की गांड की। ये भोसड़ी का वो मच्छर होता है जो इंसानों का नहीं मच्छरों का खून पिएगा। ऐसा मच्छर अपने आप को टॉपर बताता है। इनको ऑर्गेज्म कैसे होता है पूछो तो इट इज डिफाइंड एज से स्टार्ट करेंगे, सुहाग रात के दिन भी पूरी प्रोसीजर रट्टा मार के जाएंगे ये लोग। बेंचोद ये न्यूटन और आइंस्टाइन कहाँ मिलेंगे बता मेरे को? दुनिया के करोड़ों बच्चों की खोलकर मारी इन महाचुतियों ने। ये दो लोग इंजीनियर्स के शाकाल और मोगैम्बो है, इनसे बड़ा कोई दुश्मन नहीं इंजीनियर्स का। पहला ये न्यूटन, अबे भोसर पप्पू, पेड़ से सेब सर पर गिरा तो खा लेता या गांड में डाल देता? वो ऊपर से नीचे क्यों गिरा ये जानना जरूरी था क्या? गांड में उंगली करने की आदत जाती नहीं इनकी, सेब नहीं नारियल गिरना चाहिए था नारियल। बेंचोद वही मर जाता जान छुटती। फिर आया ये आइंस्टाइन, यहाँ बच्चों को ठीक से ABCD बोलनी नहीं आती, ये बंदर उसके इक्वेशन बनाता है E=MC² बराबर Engineer = माँ की चू, वो भी 2 बार। पता नहीं इस असाइनमेंट का इन्वेंशन किस गधे की गांड ने किया, सालों से यही होता आ रहा है। असाइनमेंट मिलती रही है लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा बेंचो दिया असाइनमेंट लिख क्यों रहे हैं हम। स्टूडेंट सबमिशन के लिए अपनी नींद बेचकर कॉलेज आते और ले जाते तो सिर्फ असाइनमेंट। लड़कियों ने अपने बाल अपना मेकअप, यहाँ तक कि अपना बॉयफ्रेंड भी बेच डाला और उन्हें भी मिला तो सिर्फ असाइनमेंट। महीनों सालों प्रोफेसर के केबिन के चक्कर काटकर स्टूडेंट खुद बन जाते हैं असाइनमेंट और उन्हें भी मिलते हैं तो सिर्फ एक असाइनमेंट। कंट्रोल भाई कंट्रोल, सनी देओल आ रहा है भाई। बाबा। हाँ वत्स। मेरी इंजीनियरिंग पूरी हुई है, आगे क्या करूँ? ए इसके लिए भी एक चटाई डाल रहे, अपनी बिरादरी का है। 4 साल हो गए अभी तक एक भी कंपनी नहीं आई, नौकरी देगा कौन? आधा सेमिस्टर हो गया, एग्जाम फॉर्म और स्कॉलरशिप फॉर्म की लाइन में खड़ा हूँ, 75% अटेंडेंस भरेगा कौन? एग्जाम सर पे और ये बेरहम भोसड़ी वाले टीचर असाइनमेंट देते जा रहे, पढ़ाई करेगा कौन? बैकलॉग निकालेगा कौन?
इससे चढ़ने वाले 100 डिग्री बुखार में भी हिलाएगा कौन? भाई इंजीनियर जिंदा है। मुझे एक बात बता, एक इंजीनियर को 4 साल में क्या नहीं झेलना पड़ता? 48 सब्जेक्ट्स, उसके 48 थ्योरी एग्जाम, 48 प्रैक्टिकल एग्जाम, 48 वाइवा, फिर उस 48 सब्जेक्ट्स के 48,000 पेजेस के असाइनमेंट्स, 4 साल में 100 टाइप के फॉर्म, एग्जाम फॉर्म, स्कॉलरशिप फॉर्म, लौड़ा लसन फॉर्म, उसमें भी इनको सारे सर्टिफिकेट चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, मैं जिंदा हूँ सर्टिफिकेट, मेरा खड़ा होता है सर्टिफिकेट, फिर उसके बाद बचे हुए टाइम में एग्जाम का टेंशन, रिजल्ट का टेंशन, नौकरी नहीं लगने का टेंशन, आइटम का टेंशन, आइटम के टेंशन का टेंशन। मुझे एक बात पता, इंजीनियर का मतलब क्या होता है कि लोगों की जिंदगी आसान बनाना। यहाँ खुद इंजीनियर की लाइफ कॉम्प्लिकेटेड करके रख देते तो फिर क्या वो घंटा लोगों की लाइफ आसान बनाएगा? अपने देश से कोई भी स्टूडेंट एक इंजीनियर बन के बाहर निकलता है ना, मतलब एक गधे को घोड़ों की रेस में दौड़ने को कहा जाता है। अमेरिका के 10वीं के बच्चे के पास भी इतना नॉलेज होता है जितना अपने ग्रेजुएटेड इंजीनियर के पास भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमने 4 साल से असाइनमेंट लिखने में और फॉर्म्स भरने के लाइन में बिता दिए। काहे का घंटे का डिजिटल इंडिया। कल मेरी वाइवा थी, एक्सटर्नल ने पूछा, अच्छा बताओ क्या पढ़ के आए हो? प्रोडक्शन सिस्टम। अच्छा, नॉर्मल ह्यूमन का स्पर्म काउंट कितना होता है? अबे बूढ़ी गांड, मैकेनिकल में स्पर्म से क्या गाड़ी का इंजन चलाएगा क्या? प्रोडक्शन सिस्टम बोला मैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम नहीं। फिर बाद में पता चला कि वो बाजू वाले मेडिकल कॉलेज का एक्सटर्नल गलती से हमारे कॉलेज में आया था और हमारा मैकेनिकल का गधा उनके पास चला गया था। हाँ तो बताओ क्या पढ़ के आए हो? सर ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम। अच्छा, इसमें स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल कहाँ होता है? ए मां, माता जी। पूरे भारत में हर साल 15 से 20 लाख स्टूडेंट इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन लेते। मुझे कोई भी छाती ठोक कर बताओ कि हम जो ये 4 साल में हजारों पेजेस के असाइनमेंट लिखते हैं उसका हमें कुछ फायदा होता है? अरे घंटा फायदा होता है। चलो हमने असाइनमेंट लिख भी ली और टीचर के पास गए तो बोलते पेजेस को स्केच पेन से बॉर्डर करो, अंडरलाइन मारो, हैंड राइटिंग अच्छी से लिखो। अबे ये असाइनमेंट है, तेरी बेटी का शादी का कार्ड नहीं। और वैसे भी 2 साल बाद तू इस असाइनमेंट से अपने बच्चे की टट्टी साफ करने वाला होगा। अगर कोई टीचर इस वीडियो को देख रहा है तो सुनो, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके सामने, ये असाइनमेंट का लफड़ा बंद कर दो यार। क्यों गांड मार रहे हो? क्या बच्चे की जान लेगा बे तू? जैसे हमारा रिजल्ट लगता है तो वो रिश्तेदार जिन्हें हम कुंभ के मेले में छोड़ के आए थे, उन्हें पता नहीं हमारा नंबर कहाँ से मिल जाता है, फोन करके पूछेंगे रिजल्ट क्या आया। क्यों भाई? 7वीं फेल। तुझे ऐसा तुनतुना आवाज वाला, फोन रख वरना अंदर घुस के फोड़ूंगा। तू मेडिकल वालों को देख, कॉलेज के बाद भी वो तुझे डॉक्टर के रूप में मिलेंगे। एयरफोर्स वालों को देख, हमेशा पायलट के रूप में मिलेंगे। लेकिन इंजीनियर, इंजीनियर एक ऐसा बहिरूपिया प्राणी है जो तुझे दारू भट्टी, पान टपरी वाला, चर्सी, चोर, डाकू, बिजनेसमैन, वॉचमैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, आयरन मैन, गुंडा, सुपरस्टार, पॉर्न स्टार, भिखारी सब में दिखेगा, लेकिन एक इंजीनियर के रूप में कभी नहीं दिखेगा। क्योंकि बेचारों को पता ही नहीं होता कि बेंचो हमने 4 साल लाखों रुपए खर्च कर कर किस चीज की पढ़ाई की है, हमारा अस्तित्व क्या है। कंट्रोल भाई, कंट्रोल। अगर जीवन में बैकलॉग लेके चल रहा है तो जिंदा है इंजीनियर। नौकरी और छोकरी की उम्मीद छोड़ चुका है तो जिंदा है इंजीनियर। हिला हिला के हाथ घिस चुके हैं तो जिंदा है इंजीनियर। टीचर के तलवे चाट कर इंटरनल मार्क्स ले रहा है तो जिंदा है इंजीनियर। अपनी जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है, समझ कर जी रहा है तो जिंदा है इंजीनियर। अगर इतना सब कुछ सुनने के बाद भी इमोशनल होके अपना बंदा वीडियो को लाइक ठोक कर जा रहा है तो इंजीनियर जिंदा है।